नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आया हूं Zenfone Zoom S। जी हां, ताइवानीज कंपनी Zenfone Asus ने लॉन्च कर दिया है Zenfone Zoom S, जो कि 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के वर्जन में भारतीय बाजारों में लॉन्च हो गया है 26,999 रुपये। और ये केवल ऑनलाइन यानी फ्लिपकार्ट पे मिलने वाला है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा अगर आप बाय करना चाहें या फिर देखना चाहे तो। जानते हैं फोन के बारे में क्या है। फोन के बारे में बता दूं, फोन टोटली कैमरे के ऊपर डिपेंड है, बाकी इसमें और कुछ देखने नहीं मिलेगा और बैटरी काफी अच्छी है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैं दिखाऊंगा एक एक चीज के साथ में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं भैजी टेक्निकल और टेक रिलेटेड ऐसे वीडियो रोज आपको प्राप्त होते रहेंगे, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए जानते हैं Zenfone Zoom S। Zenfone के सीरीज आपको पता ही होगा काफी फेमस कैमरे में है, लेकिन ये जो फोन है एक तरह से Zenfone के पास जो कुछ था अब तक का कैमरे की क्वालिटी में उन्होंने सब इसमें झोंक दिया है। आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। फोन जो है पीछे की तरफ में दो कैमरे आते हैं 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल के दो आगे की तरफ 13 मेगापिक्सल के ऊपर, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको और कोई कैमरे में नहीं मिलेगी इस प्राइस रेंज में, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या है फोन के अंदर। फोन के हाईलाइट्स आपको देखने मिल गई होगी, 12x की जूम है, 8x लो लाइट फोटोग्राफी कर सकते हैं, 42 दिन की बैटरी स्टैंड बाय टाइम है। तो इतनी अच्छी फ़ोन आपको केवल आपको मिल रहा है 27,000 यानी 26,999 रुपये फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो एक बहुत बढ़िया बाय है। तो चलिए देखते हैं, जूम इसमें नाम ऐड किया होगा, अगर आपने याद दिया होगा तो जूम नाम करने का मतलब है इसमें जूम काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें देखते हैं धीरे धीरे करके क्या है। 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं और दोनों ही अपने अलग अलग रूप में काम करते हैं। पहला जो कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, वो आपको लो लाइट फोटोग्राफी में मदद करेगा जो कि 1.7 के अपर्चर के साथ में आता है। और दूसरा जो है वो 2.3x का ऑप्टिकल जूम, यानी कि आप जूम करके फोटोग्राफी ले सकते हैं और एक तरह से 2.5 गुना तक ज़्यादा लाइट आपको कैप्चर करेगा। दोनों 12 मेगापिक्सल के दो अलग अलग कैमरे काम करते हैं, एक नाइट में काम करेगा और एक आपको बढ़िया सा फोटोग्राफी लेने में मदद करता है जो कि जूम के साथ में आती है। तो आप दोनों के कम्बिनेशन में भी काम कर सकते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया आपको फोकल के साथ में फ़ोटो खींच सकते हैं जो कि आपको एकदम DSLR कैमरे की तरह मिलता है। ये देखिए, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भी बनाया छोटा सा इस तरह से 10x 11x 12x तक की जूम और फोटो फटते नहीं हैं, ये इसकी क्वालिटी है। कंपनी ने एक वीडियो भी लॉन्च किया है, मैं आपको वीडियो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है वीडियो कंपनी लॉन्च किया है, दो इन्फिनिटी का साइन है यानी दो कैमरे हैं पीछे ड्यूअल टोन फ्लैश के साथ में, फिंगरप्रिंट सेंसर उसके पीछे, 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं और इसमें सोनी के सेंसर्स है। ये रिप्रेजेंटेशन में आपको कैमरे की पूरा आइडिया हो जाएगा किस तरह से है। फ़ोन काफ़ी स्लीम है, 7.9mm का, 1.7 का फोकल लेंस है, IMX 362 के सेंसर के साथ में सोनी का। देखिए 12x जूम, इस फोटो को किस तरह जूम किया गया है, ये देखिए जूम करके इनके सींग में जो एक एक डॉट्स है उसको भी। 2.3x ऑप्टिकल जूम है, 59mm का फोकल लेंथ है जो कि पोर्ट्रेट मोड वगैरह फोटो लेने में काफ़ी मदद साबित करता है। तो इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस वगैरह भी है और इमेज ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, तो इस तरह के स्टेबलाइजर है ताकि आप वीडियो और ऑडियो कोई भी कैप्चर करे तो वो आराम से ले लें। 5000mAh की बैटरी है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर है, प्रीमियम मेटल बॉडी है, मजबूत एक फ़ोन है, 2.5D की कर्व ग्लास है और गोरिया ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है इस फ़ोन के ऊपर। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में है, 4GB 64GB का वर्जन है ये। तो इस तरह से फ़ोन में आपने देख लिया होगा, एक हाईलाइट फ़ोटोज़ कुछ इस फ़ोन से लिए गए हैं, इन्होंने कंपनी का ऐसा दावा है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है, 12 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा है, बहुत ही सुंदर इस तरह से इसके हैं। फ़ोन में जूम करके इन्होंने दिखाया है, फ़ोटो फटते नहीं है, 2.3x ऑप्टिकल जूम कैमरा है, आप बढ़िया से पोर्ट्रेट मोड भी ले सकते हैं। दोनों ही कैमरे जो पीछे हैं उसके कॉम्बिनेशन में 59mm का फोकल लेंथ है, तो एक बोके इफेक्ट मिलेगा आपको, सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर कैप्चर हो रहा है, बाकी पीछे जो है ब्लरनेस आपको एक बहुत ही बढ़िया दिख रही है। इसमें 2.5x लाइट सेंसिटिव है जो कि बहुत ही बढ़िया है, आपको ज़्यादा इमेज कैप्चर ज़्यादा लाइट कैप्चर करके देता है ताकि आप नाइट वगैरह की जो फोटोज़ हैं उसको ले सकें। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिखाए हैं। 362 IMX का सोनी का सेंसर लगाया गया है बैकग्राउंड 12 मेगापिक्सल कैमरे के साथ में, 1.4 माइक्रोन मीटर का पिक्सल है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट सेंस कैप्चर करता है, 4K की
अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिजोल्यूशन कर सकते हैं, फेस डिटेक्शन फोकस है 0.03 सेकंड में, सुपर पिक्सल टेक्नोलॉजी है, गोरिल्ला ग्लास के लिए प्रोटेक्शन दिया है आपके लेंस के लिए ताकि उसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो। तो इस तरह के है, आपको कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करके दिखाया गया है कितनी रोशनी खींचता है। एक नॉर्मल 2.2 इतना ही एरिया कैप्चर करता है, वेरस आप देखेंगे तो ये 67% ज़्यादा कैप्चर करेगा इसमें मुकाबले इसके 2.2 के, क्योंकि इसमें 1.7 का अपर्चर दिया है। और ये आईफोन 7 के साथ कंपैरिजन करके दिखाया गया इनका, जो कि 49% ही कैप्चर कर पाता है ज़्यादा अपर्चर 2.2 के हिसाब से, वेरस जूम 5 जूम एस जो कैमरा है वो 67% ज़्यादा। ये एक माइक्रो पिक्सल का जो इन्होंने एग्जांपल दिखाया बहुत ही बढ़िया दिखाया। अगर 1 माइक्रो पिक्सल की किसी के पास कैमरे है तो उसमें इतनी सी लाइट वो कैप्चर करेगा यानी ग्लो करेगा, वेरस आईफोन 7 के ऊपर 1.22 माइक्रो पिक्सल का जो साइज़ है उसके हिसाब से इतनी लाइट कैप्चर करता है जो कि 48% ज़्यादा है 1.0 के। और जेनफोन एस जो है 96% ज़्यादा करेगा इसके मुकाबले 1.0 के हिसाब से। तो इस तरह से इसके पिक्सल लेंथ बढ़ जाते हैं। तो आप फोटो देख सकते हैं आईफोन 7 के, थोड़ा सा नाइट के फोटोग्राफी हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन जो जेनफोन का है वो काफ़ी उठ के आ रहा है फोटो, तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया बढ़िया है। फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस है जिसको आप ट्रेडिशनल फ़ोन में देखेंगे तो सिर्फ 600,000 पिक्सल ही कैप्चर करता था, वेरस आपका ये जेनफोन एस जो है आपको 12 मिलियन पिक्सल कैप्चर करके देगा। इस तरह से इसमें लेज़र ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को भी कैप्चर करता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपको जेनफोन के पहले वाले मोबाइल से मिले थे। RGB जो रेड ग्रीन ब्लू कलर के कलर करेक्शंस होते ताकि आपको नेचुरल फोटोज़ मिले वो इसमें दिया गया है। उसका इंजन है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि जिसके अंदर IMX 214 का सेंसर लगाया गया है सोनी का ताकि आपको अच्छे से फोटो आए। 140 डिग्री के आप पैनोरामा सेल्फी ले सकती हैं, स्क्रीन फ्लैश के साथ में आता है, ब्यूटी मोड्स बहुत सारे अनगिनत है तो ये भी अच्छा है। मैनुअल मोड है, प्रो मोड है, प्रोफेशनल जो है उनको पता है कौन से पैरामीटर्स अप डाउन करना है, वाइट बैलेंस वगैरह क्या क्या करना है, ISO मोड, तो उस तरह से आप सेटअप करके फ़ोटो ले सकते हैं बहुत ही अच्छा। तो आपको लग रहा होगा कि मैं फ़ोन नहीं बल्कि कैमरे के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कैमरे की ही इसमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आपको अनगिनत चीज़ें हैं। और ये 5000mAh बैटरी के साथ में आता है जो कि डुअल चार्जिंग सपोर्टिंग है, यानी कि आप इससे दूसरे मोबाइल को भी या दूसरे कोई वस्तु को भी चार्ज कर सकते हैं, तो ये इसमें ये भी चीज़ है। कंपनी का कहना है 4K की रिकॉर्डिंग आप 6.5 घंटे तक इसमें कर सकते हैं। एफिशिएंट पावरफुल आपको स्नैपड्रैगन 625 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे जो कि सबसे कूल है, और आपको रेडमी नोट 4 पे जो प्रोसेसर वही है, और भारत में जो वेरिएंट है वो 64GB का है, यहाँ पे आपको 128GB दिख रहा है, ये दूसरा कंट्री का वर्जन है। टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, 4G टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, हालांकि इसमें 2 TB तक का आपको SD कार्ड सपोर्टेबल है। तो वो सारी चीज़ें हैं। सुपर सोनिक मास्टर है साउंड के लिए ताकि आपको गाने सुनने के एक्सपीरियंस कम ना हो, बहुत ही अच्छा है। मैग्नेटिक 5 मैग्नेटिक स्पीकर है जो कि लो फ्रिक्वेंसी 70% लो फ्रिक्वेंसी एक्सटेंशन है, हाई रिजोल्यूशन ऑडियो है इसके अंदर, डिस्टॉर्शन आपको कम मिलेगा। इस तरह से फ़ोन को बनाया गया है। और 5.5 इंच की जो है फुल HD रिजोल्यूशन 1920x1080 500 nits यानी आपको धूप में भी ब्राइटनेस की कोई कमी नहीं होगी, बढ़िया से आपको दिखाई देने वाला है। एमोलेड की डिस्प्ले है जो कि 4 चांद लगाता है डिस्प्ले में, और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। तो इस तरह से फ़ोन आता है 5.5 इंच की 5000mAh की बैटरी के साथ में, और 7.99 की बहुत ही पतली सी थिन के साथ में आता है, और जो कि 170 ग्राम इसका वजन है। तो इस तरह से फ़ोन है, फ़ोन देखने में काफ़ी सुंदर है, यूज़ करने में भी काफ़ी सुंदर है, फोटोग्राफी के लिए सबसे अभी तक का परफेक्ट फ़ोन आप कह सकते हैं इस प्राइस रेंज में। तो आशा करता है आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आप फ़ोन को देखना है बाय करना चाहे फ्लिपकार्ट के ऊपर से। भैया जी टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।